तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई में डेटा कैलकुलेशन। डेटा कैलकुलेशन क्या होता है, हम बात करेंगे आपके साथ इस क्लास में। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन देता हूं आप लोगों को, और हमारे पास एक पावर बीआई का डेटा है। हम यहाँ एक डेटा इम्पोर्ट करते हैं। तो डेटा कैलकुलेशन का पर्पस ये है कि जब हम डेटा को लाते हैं किसी अदर सोर्सेस से, तो कई बार क्या होता है कि डेटा हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, या फिर उसमें कुछ चीज़ मिसिंग होती है। तो ऐसे मिसिंग डेटा पे हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकें, ये हम आपके साथ इस क्लास में दिखाएंगे। तो हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आज। सबसे पहले मतलब कि आप यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, ये कैसे अप्लाई करेंगे ये आज हम सिखाएंगे आपको, और क्यों जरूरी है वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये डेटा हमारे पास लोड हो गया है। अब इस डेटा में हमारे पास एसआईडी है, डेट है, सेल्स मोड है, नेम वगैरह, स्टेट वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे क्वांटिटी, एमआरपी, टोटल टैक्स एंड ये टोटल है, टोटल कॉल्स है एंड साइट है। अब यहाँ पे एक कॉलम मुझे ये देखना है, निकालना है कि देखिए इतने रेवेन्यू के लिए 112 कॉल्स किए गए, तो मुझे ये पता करना है कि एक कॉल्स पे कितने रेवेन्यू जनरेट किए गए। तो हमें टोटल कॉल्स, इसके जी टोटल को टोटल कॉल से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसको हमें चेंज करना है इसमें। तो हम यहाँ न्यू कॉलम, देखिए कॉलम टूल्स का नया टैब खुलेगा, उसी में आपको न्यू कॉलम्स पे क्लिक करना है। जब डेटा ऐड करेंगे तो न्यू कॉलम्स पे हम जाते हैं, और न्यू कॉलम्स पे आने के बाद यहाँ ऊपर जैसे एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला बार हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कॉलम नाम का हेडिंग आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं रेवेन्यू और यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या है, हम है हमारा है जी टोटल। जी टोटल, अब जी टोटल को यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा, आप खुद से लिख मत दीजिएगा, लिखने से क्या होगा कि फिर दिक्कत हो जाएगी। डिवाइड बाई टोटल, तो आप लिखेंगे मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल कॉल्स हमने ले लिया। अब हमारा फॉर्मूला लग चुका है, हमने डिवाइड लगा दिया, और इसमें जस्ट एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस होने के बाद ये आपका कैलकुलेशन होगी, और पूरे एक हमने एक सेल पे लगाया है, एक पूरे कॉलम पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपके एक्सेल की तरह एक एक सेल लगा के नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती है। एक एक सेल लगा के नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ क्या होता है कि अपने आप नीचे ड्रैग हो जाता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा। अब इसमें दो चीजें हैं कि मुझे इसमें डेसिमल्स नहीं चाहिए, इतना ज्यादा डेसिमल नहीं चाहिए। तो दो इसकी दो सिचुएशन है। पहला कि आप इसके फॉर्मेट में आए और यहां से डेसिमल प्लेसेस को ऑटो की जगह पे डेसिमल यहां पे जीरो कर दे या वन कर दे। जीरो कर दिया, मैं यहां पे वन कर दूंगा तो डेसिमल प्लेसेस उतना प्लेस पे हो जाएगा। बट ये जस्ट एक्सेल की तरह विजुअल होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे डेसिमल मिले ही ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे,
राउंड का फॉर्मूला जैसे एक्सेल में हम लगाते थे, ऐसे यहाँ राउंड राउंड अप राउंड डाउन तीन फॉर्मूले हैं। तो मैं राउंड ले लेता हूँ नियरेस्ट के लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कॉमा 0। इस तरह से आप दो फॉर्मूले को मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, अब एक्चुअल में आ गया आपका। अब इसको आप अगर जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे तो यहां आपको टोटल कॉल्स यहां पे अटलरी दिख जाएगा। तो मुझे इसको स्टिकर में रखना है। अब यहां पे टोटल कॉल्स को मैं यहां पे कॉल्स रेवेन्यू पर कॉल्स को मैं यहां रखता हूं। तो यहां पे आपका 3 मिलियन आता है ना। बाय डिफॉल्ट इसने सम ले लिया, मुझे इसको सम नहीं चाहिए। तो यहां हम आते हैं इस पे, सॉरी इस पे आते हैं। जो सम है इसको हम एवरेज कर देते हैं। तो एवरेज 685 पर कॉल किया गया। ये चीजें हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसमें और कितने तरह की मैथमेटिक की जा सकती है, चलिए तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। एक छोटा सा डेटा लेते हैं, मैं एंटर डेटा पे क्लिक करके मैं खुद से एक छोटा डेटा बना लेता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे नेम क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 पे कुछ नाम देते हैं, पूजा 55 55। डेटा हम एंट्री भी कर सकते हैं। इतना हमने डेटा इंट्री कर लिया। अब मैं इसको लोड इसका टेबल लागू यहां पे देता हूं, ग्रोथ जी आर के नाम से लोड। जी सर, तो ये दो टेबल अलग अलग हो जाएंगे ना? पावर बीआई में जितना मर्जी उतना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं सर। ओके, अब मैं इसको यहां से इसको मिनिमाइज कर दिया हूं। मैं टेबल आ गया, इसका टेबल आ गया, मुझे इस पे ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ की मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स कहती है कि लेटेस्ट माइनस, मतलब कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाई क्वार्टर 1, राइट सर? तो मैं यहां पे क्लिक किया, मेरे पास कॉलम टूल्स में न्यू कॉलम ऐड हो गई और ऊपर जो फॉर्मूला बार है वो एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट हो गया। कॉलम का नेम हमने डाल दिया जी आर ग्रोथ, या कुछ भी डालना चाहते डाल दीजिए। अब ब्रैकेट में हम क्वार्टर 2 लेते हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ क्वार्टर 2 लिख दूंगा तो नहीं होगा, मुझे सिलेक्ट करना होगा क्योंकि पूरी पाथ चाहिए होती है। क्वार्टर 1 क्लोज किया, डिवाइड बाय यहां पे हम डिवाइड बाय क्वार्टर 1 एंटर प्रेस करते हैं। तो ये भी जो कैलकुलेशन होके आएगा वो आपका इस तरह के नंबर्स में है, पर ये डेसिमल्स में है, लेकिन मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस कर्सर को सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट रखे रहिए,
या ऊपर फॉर्मूला दिखते रहना चाहिए और यहाँ परसेंटेज का सिंबल दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो परसेंटेज में इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दीजिए। यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें राउंड में इसको भी नहीं सर, राउंड थोड़ी होगा, ये तो डेस परसेंटेज है ना, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में होता है ना। जी जी 0.00 आ रहा है, अगर 0.22 आ रहा है उसको। हाँ तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस को हटा दीजिए, जी जीरो कर दीजिए ना, क्योंकि परसेंटेज तो ऑलरेडी डेसिमल ही होता है ना सर, समझे सर? जी सर। और कुछ सर? सर ये एक्सेल में जैसे सम करके ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला डालते हैं वो प्लस माइनस या डिवाइड का, तो इसमें सम का होता है या ऐसे ही ब्रैकेट करके सीधे डालते हैं? जैसे कि अब मान लीजिए कि मुझे इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है, हाँ मतलब कि इसके टोटल से इसको डिवाइड करना है, ये बोल रहा हूँ। चलिए मैं करके देखते हैं। देखिए जो सिंगल सेल पे रिजल्ट देने वाले फॉर्मूला है उसको हम लोग मेजर्स में लगाते हैं। ओके। कैलकुलेशन दो तरह की होती है, फील्ड कैलकुलेशन मतलब कॉलम कैलकुलेशन और मेजर्स कैलकुलेशन। तो यहां पे हम यहां पे दे देते हैं सी ओ यू कंट्रीब्यूशन, यहां पे करते हैं ये हम ये, क्वार्टर वन ही ले लेते मान लीजिए कि क्वार्टर वन डिवाइड बाय सम, ठीक है? ओके। लेकिन यहां यहां तो आपने कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सम क्वार्टर वन कर दूं, सम में क्वार्टर वन कर दूं, तो यहां पे दिक्कत था सर। क्योंकि सम का फॉर्मूला सिंगल रिजल्ट देता है, तो किसी डेटा पे इसको डाल गलत होगा, क्योंकि जब फिर वापस अब यहां पे आएगा, ये समरी पे आएगा, मान लीजिए समरी पे मैं आता हूं और मैं इसको इसमें ही कार्ड में ही मैं रख देता हूं, इसको कंट्रीब्यूशन है ना यहाँ पे, हाँ इसमें इसको रख दिया, तो ये 400 को प्लस कर दिया, देख रहे सर आपको? यस सर। तो सम करता हूँ, देखिए देख रहे 2020 हो गया, हाँ तो यहाँ गलत हो जाएगा ना। हम्म। तो अगर आपको उसको सम करने की कैलकुलेशन करनी है तो आप जो है यहाँ मेजर्स भी कैलकुलेशन होता है, यहाँ मेजर्स दिख रहा है ना सर, यहाँ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है। हाँ यस सर। अब चलिए एक और डेटा बनाते हैं कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को करने के लिए। मैं यहाँ आता हूँ और होम पे एंटर डेटा, और यहां हम जो है डालते हैं नेम प्रिंसिपल हो जाता है हमारा, मान लीजिए नेम हो गया पूजा, प्रिंसिपल हो गया 50,000, रेट हो गया 0%, 0.7%, टाइम हो गया 5 ईयर। और यहां पे हम देते हैं
लोन कर रहा हूं, इसको लोड करते हैं। ठीक है सर, यहां लोन आ गया, लोन पे जाते हैं, यहां लोन का डेटा। अब मुझे इसमें इसका अमाउंट कैलकुलेट कर, इसके कॉलन में आता है, न्यू कॉलन में। अब अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, अमाउंट मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है अमाउंट इक्वल टू यहां पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है, हमारा मंथली इंटरेस्ट है एन 12 है। अब यहां पे इसको कैसे करें, तो यहां पे मैं अमाउंट डालता हूं, तो एक साथ लिखेंगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वन बाय वन करें, वन प्लस आर डिवाइड बाय 12। ओके, तो ये बीच वाला हो गया हमारा। अब इसको आपस में ब्रैकेट दे देते हैं, फिर दूसरा आता है टी मल्टीप्लाई बाय वन, तो इसको हम पावर देते हैं यहां से पावर, और ब्रैकेट में टी क्या है, यहां पे टी मल्टीप्लाई बाय 12, और फिर फाइनली इसमें हम करते हैं इसको सबको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर, इस तरह से वन बाय वन कैलकुलेशन करेंगे तो सही रहेगा, ब्राइट, उसमें ब्रैकेट और सबका कम्युनिकेशन आपको समझ में आता रहेगा। आ गया, अब इसको राउंड यहां से कर दीजिए या फिर राउंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके ओके सर, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी हम करते हैं। अब आप लोग इसी तरह की कैलकुलेशन कीजिए और करने के बाद मुझे भेजिए, कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते।